press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल चैनल और मैं हूं मनीषा। आज आप जानेंगे महाराष्ट्र कांग्रेस में पड़ सकती है फूट। अशोक चौहान और फडणवीस की मुलाकात महाराष्ट्र के शिवसेना के बाद इस कांग्रेस में फूट पड़ सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के दो पूर्व मंत्री शिंदे कैबिनेट के पक्ष ले सकते हैं, लेकिन ये कौन है अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने रविंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासती अटकलें तेज हो गई हैं। अशोक चौहान कांग्रेस छोड़ेंगे। बताया जा रहा है कि 31 अगस्त को शिंदे गुट के नेता के घर में मीटिंग हुई थी। अशोक चौहान के बारे में अटकलें चल रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि खुद अशोक चौहान ने कांग्रेस छोड़ने की बात के सिरे को खारिज कर दिया है। चौहान ने कहा है कि फडणवीस की उनकी मुलाकात एक राजनीतिक नहीं थी, वह दूसरे काम से पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम खान का बताया जा रहा है। असलम शेख बीजेपी नेता मोहित कंबोज के साथ पहले ही देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। असल मुद्दे से ध्यान भटका रही है बीजेपी नाना पटोले। वही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस खबरों को निधार करते हुए कहा है कि यह खबर गलत है कि कांग्रेस में फूट पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे जैसे उठा रहे हैं, हम असल में के मुद्दों पर ध्यान भटकाने की बीजेपी का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है और इसके बीच में ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। उत्सव में तो सब एक दूसरे से मिलते हैं नाना पटोले। नाना पटोले ने कहा है कि विधान विपरीत चुनाव के समय में 7 सदस्यों विधायकों की पार्टी में विरोधी गतिविधि की थी, लेकिन उन्हें पार्टी नेतृत्व में समझाएगा है। पटोले ने कहा है कि अशोक चौहान और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात गणेश उत्सव के वक्त हुई, इसका कोई राजनीतिक मतलब ना निकाले। उत्सव में तो सब एक दूसरे से मिलते ही हैं। नाना पटोले ने कहा है कि अशोक चौहान कांग्रेस में ही हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।